हेलो दोस्तों, बाय बाय। और बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं अगली वीडियो कब बनाऊंगा। जब सिंगाड़े तोड़ूंगा तभी अगली वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत दिन से आप लोगों को भी इंतज़ार होगा कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, और मैंने सोचा था कि सिंगाड़े तोड़ेंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे। तो देख लीजिए, आज हम अपने खेत पर आकर के सिंगाड़े की तुराई को हमने शुरू कर दिया है। कार्य देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर हम सिंगाड़े की तुराई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये सिंगाड़े निकालते हैं। और आप बताइए, अगर आप जानते हैं, अगर आपने इनकी अगर सब्जी भी खाई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए, इस तरीके से ऐसे पेड़ पर सिंगाड़े लगे हुए होते हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, और इन लगे हुए होते हैं सिंगाड़े। देखिए इस तरीके से, देख लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में और मीठे भी लगते हैं, और इनकी सब्जी भी तैयार होती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इनकी सब्जी खाई है कि नहीं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। इस तरीके से यहाँ से सिंगाड़े निकालते हैं। देखिए इस तरीके से पेड़ पर सिंगाड़े लगे हुए होते हैं, और इस तरीके से हम इनको तोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम इनको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए इसका पेड़ भी इस तरीके से होता है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरीके से पेड़ को हम सीधा करके फिर पानी में छोड़ देते हैं। इस तरीके से इस पर दूसरे भी सिंगाड़े और भी आएंगे। देखिए देखने में कितने लाजवाब लगते हैं, और खाने में भी इतने टेस्टी हैं जितने टेस्टी देखने में लगते हैं। उसके बाद इनको हम यहाँ पर धुलने का कार्य इस तरीके से कर लेते हैं। फिर हम इनको यहाँ से धुलने के बाद इस तरीके से कट्टों में भर लेते हैं। कट्टों में भरने के बाद इसको सीधे सिल के इसको घर पहुँचा देते हैं। और देखिए इस तरीके से ये बेल पड़ी हुई है, और इधर बेल पड़ी हुई है। इतने सभी हर जगह सिंगाड़े ही सिंगाड़े हैं। इसमें सिंगाड़े की खेत है, समझ लो, इसमें पानी में सिंगाड़े की खेती होती है। तो वीडियो कैसी लग रही है? थैंक यू दोस्तों। अब देखिए ये नाव में सिंगाड़े इस तरीके से यहाँ पर टूट रहे हैं, और इस तरीके से ऐसे तोड़ाई होती है। और ये सभी जो जितने भी ये बेल पड़ी हुई है, सभी पानी में सिंगाड़े की खेती होती है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से, और आप मेरे पीछे देखिए, मैं नाव में बैठा हुआ हूँ इस समय। और वीडियो कैसी लग रही है? और जैसी भी लग रही है वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।